नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शर्मा, विभागाध्यक्ष रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय। आज सब्जेक्ट कोड MR202 बेसिक एयर कंडीशनिंग के चैप्टर नंबर 3 पे आधारित कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि धूल के कणों का आकार होता है, यानी कि डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या आकार होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, 100 माइक्रोन से कम, 75 से कम, 50 से कम और 25 माइक्रोन से कम। तो ये आपको याद रखना है कि धूल के कणों का जो आकार होता है वो 100 माइक्रोन से कम होता है, यानी कि 100 माइक्रोन तक साइज के धूल के कण हो सकते हैं। तो इसका सही जो उत्तर है वो सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है कि पराग कण पेड़ों से जो निकलते हैं, पोलन्स जिनको बोलते हैं, उनका आकार क्या होता है। तो जो पराग कणों का आकार होता है वो 5 से लेकर 15 माइक्रोन के बीच में होता है। जो भी हम फिल्टर्स काम में लेते हैं वो फिल्टर्स किस तरह की अशुद्धि हमारे को दूर करनी है, तो उस अशुद्धि का साइज क्या है उसके हिसाब से फिल्टर काम में रहता है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि धूल के कण जो है वो थोड़े बड़े होते हैं, तो उनके लिए फिल्टर उस हिसाब से फिल्टर काम में लिया जाता है। पराग कण का आकार चूंकि धूल के कणों से कम होता है, 5 से लेकर 15 माइक्रोन होता है, तो इनके लिए इसके हिसाब से फिल्टर काम में लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ए। तीसरा सवाल आप देखें, शुष्क बल तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता तथा वायु की गति के सम्मिलित प्रभाव को क्या कहते हैं, यानी कि DBT, RH और एयर वेलोसिटी, इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उस कंबाइंड इफेक्ट को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है इफेक्टिव टेम्परेचर, यानी कि वो तापमान जो कि किसी व्यक्ति को महसूस होता है। एक तो तापमान वो होता है जो कि थर्मामीटर दिखा रहा है, और एक तापमान वो होता है जो कि व्यक्ति महसूस करता है। कई बार आप देखेंगे कि यदि RH का लेवल ज़्यादा हो जाए तो भले ही DBT कम है मगर आपको उसके अंदर गर्मी की महसूस होगा, गर्मी महसूस होगी। तो इसका मतलब कि जो इफेक्टिव टेम्परेचर वो इफेक्टिव टेम्परेचर बढ़ गया है। इस तरह से यदि वायु की गति कम कर दें तो भी इफेक्टिव टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है जब अपन पंखा चलाते हैं, तो पंखा चलाने से कमरे के अंदर ना तो DBT पे कोई फर्क पड़ता है ना RH पे कोई फर्क पड़ता है, सिर्फ जो वायु की गति है वो वायु की गति बढ़ती है। इस वजह से हमारे को ऐसा लगता है कि जो तापमान है वो कम हो गया है। तो ये जो हम महसूस कर रहे हैं तापमान जो कम हो गया है, यही इफेक्टिव टेम्परेचर होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, इफेक्टिव टेम्परेचर। चौथा सवाल आप देखें, मानव शरीर से ऊष्मा किस माध्यम से बाहर निकलती है। ह्यूमन बॉडी जो है वो हीट को रिलीज करती है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो किन किन मोड के द्वारा बॉडी हीट को रिलीज कर सकती है, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है जो कि फिक्स होता है लगभग 37 डिग्री के आसपास, और बॉडी के आसपास जो हवा है उसका तापमान क्या है। तो इस सवाल के अंदर चूंकि हवा का तापमान नहीं दे रखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हवा का तापमान है वो शरीर के तापमान से कम है। तो उस अवस्था के अंदर बॉडी कन्वेक्शन के द्वारा भी हीट रिलीज करती है, रेडिएशन के द्वारा भी करती है, और एवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा भी करती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबाउट। पांचवा क्वेश्चन है कि कंफर्ट चार्ट के निर्माण में वायु की गति क्या मानी गई है। जो ऐश्वर्य ने कंफर्ट चार्ट बनाया है जिसके अंदर कंफर्ट जोन अलग अलग बता रखे हैं, समर कंफर्ट जोन, विंटर कंफर्ट जोन और सेंट्रल कंफर्ट जोन, उसके निर्माण के अंदर जो वायु की गति काम में ली गई है वायु की गति क्या काम में ली गई है। तो इसका सही उत्तर आपको याद रखना है 4.5 से लेकर 7.5 मीटर पर मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता हुआ ही है। अब मगर इसके अंदर एक चीज आप देखें जो फर्क है इन दोनों क्वेश्चन के अंदर, वो ये इसमें ये बता रखा है कि अत्यधिक गर्मी में मानव शरीर से ऊष्मा किस माध्यम से बाहर निकलती है। उस पहले वाले सवाल में गर्मी का हवाला नहीं था, अब इसके अंदर यह है कि यदि हवा का तापमान मानव शरीर से ज्यादा हो जाए तो फिर मानव शरीर से ऊष्मा किस माध्यम से बाहर निकलेगी। तो अब चूंकि आसपास की हवा का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो बॉडी से हीट ना तो कन्वेक्शन से निकल सकती है
ना रेडिएशन से निकल सकती है ना कंडक्शन से निकल सकती है। अब जो सिर्फ एक मोड रह जाता है वो रह जाता है वाष्पीकरण। तो इस अवस्था में सी जो ऑप्शन है एवापोरेशन या वाष्पीकरण ये सही है कि वाष्पीकरण के द्वारा हीट जो है वो बाहर निकलेगी। सातवां सवाल आप देखें, शुष्क वायु में नाइट्रोजन की मात्रा का प्रतिशत क्या होता है। तो एयर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपको जैसा मालूम होगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और बाकी थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो भी गैसेज हैं वो सारी होती हैं। सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक मात्रा होती है नाइट्रोजन की और ये होती है लगभग 77%। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए 77%। आठवां देखें, साधारण तापमापी वायु का कौन सा ताप दर्शाता है। जो ऑर्डिनरी थर्मामीटर होता है उस ऑर्डिनरी थर्मामीटर के द्वारा हम एयर के कौन से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है शुष्क बल्ब, जिसको बोलते हैं ड्राई बल्ब। तो ऑर्डिनरी थर्मामीटर जो भी आपने घरों के अंदर भी इस्तेमाल किया हुआ देखा होगा उससे जो हवा का टेम्परेचर भी हम लेंगे तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इसका सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 9, आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने की इकाई यानी कि यूनिट क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है यह परसेंटेज के अंदर नापी जाती है, प्रतिशत के अंदर, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो जो तीनों चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं केजी पर केजी ड्रायर, ग्राम पर केजी ड्रायर, केजी पर मीटर की ड्रायर, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर डी। इस तरह से अब इसके अंदर विशिष्ट आर्द्रता यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को मापने की इकाई पूछी गई है। तो विशिष्ट आर्द्रता जो होती है वो एक किलोग्राम हवा के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर की मात्रा को बोलते हैं। यह ग्राम में भी नापा जा सकता है या किलोग्राम में भी नापा जा सकता है। तो इसकी दोनों इकाई होती है ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर या फिर किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए किलोग्राम पर किलोग्राम शुष्क वायु। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, यह साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है कि सेंसिबल हीटिंग संवेद्य तापन प्रक्रम के दौरान क्या स्थिर रहता है। तो संवेद्य तापन प्रक्रम जब होता है जबकि हम वायु को किसी ऐसी सरफेस के ऊपर से गुजारें जिसका कि तापमान वायु के तापमान से ज़्यादा हो। तो इस केस के अंदर पूछा गया कि स्थिर क्या रहता है। तो अब चूंकि एयर की सिर्फ सेंसिबल हीटिंग हो रही है इसका मतलब लेटेंट हीट कंटेंट के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा है, जो गुप्त ऊष्मा है उस गुप्त ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और हवा की जो गुप्त ऊष्मा है उसको रिप्रेजेंट करता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो यानी कि गुप्त ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो स्थिर रहेगा। तो इसका सही उत्तर है सी ओसांग बिंदु तापमान। ये भी उससे मिलता हुआ सवाल है, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है कि सेंसिबल कूलिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर आप देखेंगे गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, सेंसिबल कूलिंग के अंदर क्या स्थिर रहता है। तो इसका आंसर भी वही सेम होगा जो कि सेंसिबल हीटिंग का था या उसका रिवर्स प्रोसेस है, मगर इसमें भी ओसांग बिंदु तापमान जो है वो ओसांग बिंदु तापमान इसके अंदर स्थिर रहता है। तो सही उत्तर इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 13, SHF से क्या अभिप्राय है। SHF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सेंसिबल हीट फैक्टर संवेद्य ऊष्मा गुणांक। तो इसका सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 14, शुष्क बल्ब तथा आद्र बल्ब यानी कि DBT और WBT इनके डिफरेंस को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है वेट बल्ब डिप्रेशन, आद्र बल्ब डिप्रेशन। तो जो भी DBT और WBT के अंदर अंतर है, जैसे मान लीजिए किसी हवा का DBT है 35 डिग्री और WBT है 24 डिग्री, तो इनके बीच का जो अंतर है 35-24 यानी कि 11, ये जो 11 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको हम बोलेंगे वेट बल्ब डिप्रेशन। तो इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 15, एक समीकरण दी गई है 0.622 PV अपॉन PT माइनस PV, इस समीकरण से क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो इस समीकरण से हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ज्ञात करते हैं, विशिष्ट आर्द्रता। अब चूंकि विशिष्ट आर्द्रता का ABC का अंदर ऑप्शन नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि मान लीजिए D में दिया हुआ होता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी
तो आंसर इसका हो जाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अभी फिलहाल इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बाईपास फैक्टर, किसी भी कॉइल का बाईपास फैक्टर यानी कि उपमार गुणांक क्या प्रदर्शित करता है? तो बेसिकली जो बाईपास फैक्टर है वो हमारे ये बताता है कि जब कॉइल पे से हवा गुजरेगी तो कितनी हवा कॉइल के कॉन्टैक्ट में आए बिना निकल जाएगी। तो जो एयर कॉइल के संपर्क में नहीं आ रही है उस वायु की मात्रा को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए किसी कॉइल का बाईपास फैक्टर है 0.15, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल हवा कॉइल के ऊपर आ रही है उसमें से 15% हवा जो है वो कॉइल के संपर्क में आए बिना उससे निकल जाएगी और बाकी के 85% उसके संपर्क में आएगी। तो इसका सही उत्तर है कुंडली के संपर्क में नहीं आने वाली वायु की मात्रा, पी। क्वेश्चन नंबर 17। वायु की गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन से निम्न तापमान परिवर्तित होता है। जब वायु की गुप्त ऊष्मा परिवर्तित होगी यानी कि लेटेंट हीट जब परिवर्तित हो रही है तो उसका ड्यू पॉइंट, चूंकि ड्यू पॉइंट जो है वो लेटेंट को रिप्रेजेंट करता है तो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चेंज होगा। मगर जब वायु की गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब कि वायु की जो कुल ऊष्मा है उसमें भी परिवर्तन होगा। तो वायु की जो कुल ऊष्मा है वो प्रदर्शित की जाती है वेट बल्ब से यानी कि आर्द्र बल्ब से। तो इसका मतलब यदि गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है तो आर्द्र बल्ब और ड्यू पॉइंट यानी कि WBT और DPT दोनों ही के अंदर परिवर्तन होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए एंड सी, वेट बल्ब एंड ड्यू पॉइंट। तो सही उत्तर है डी। अगला सवाल है, वायु के आर्द्र बल्ब तापमान यानी कि WBT के को मेजर करने के उपकरण इक्विपमेंट को क्या कहते हैं? तो तीन इक्विपमेंट दे रखे हैं, चौथे में उपरोक्त में से कोई नहीं है। एनीमोमीटर, आप सबको मालूम होगा कि एनीमोमीटर वायु की गति नापने के लिए काम आता है। स्क्रू गेज मोटाई नापने के लिए काम आता है। तो इसका सही उत्तर है स्लिंग साइक्रोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर दो थर्मामीटर लगे हुए होते हैं, एक को बोलते हैं ड्राई बल्ब थर्मामीटर और दूसरे को बोलते हैं वेट बल्ब थर्मामीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है सीलिंग साइक्रोमीटर जिसको बोला जाता है, यह एयर के DBT को भी नाप सकता है इससे और एयर के WBT को भी इससे नापा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। धन्यवाद। आज हमने MR 202 बेसिक एयर कंडीशनिंग के चैप्टर नंबर 3 से संबंधित मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को करा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 पर आधारित मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।